नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज एन इंटीजर, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए, व्हेन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट्स ऑलवेज एन इंटीजर, और डिवाइड आप 3 से कर रहे हैं, तो यहां से आइडिया लगता है कि ए को भी हम इधर 3q फॉर्म में या 3q प्लस 1 फॉर्म में या 3q प्लस 2 फॉर्म में ही एज्यूम करेंगे. ए कैन बी वन ऑफ देम, यही होगा. अगर ए 3q फॉर्म है तो आप अगर यहां पुट करते हो तो आपके पास आता है 3q इंटू 9q स्क्वायर प्लस 2 बाय 3. ये 3 से 3 कट गया और ये दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर ही होगा. जब आप 3q प्लस 1 डालते हैं तो ये वाली चीज 3 का मल्टीपल बन जाएगी. आप देख सकते हैं ये बनेगा 3q प्लस 1, यहां पे बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3. इसमें से 3 कॉमन आएगा और ये 3q प्लस 1 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अगेन दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स. जब आप 3q प्लस 2 डालेंगे तो यहां पे आएगा 3q प्लस 2, ये बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 प्लस 2. अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसमें से फिर से 3 कॉमन लिया जा सकता है और वो 3 इसको काट देगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं कि जब आपको दिखाना हो कि दिस इज एन इंटीजर, इसका मतलब ए को आपको यू हैव टू थिंक ए इन टर्म्स ऑफ 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2. ऑलवेज इवन या ऑड में नहीं सोचना है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्वेश्चन है उस तरीके से हम बात करेंगे. मान लो यहाँ 7 होता तो हम 7k प्लस 1, 7k प्लस 6 तक सोचते. इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डिविजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे.